हाँ जी सर, कमलदीप सिंह, डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स सेंटर सर्कल पटियाला, प्रेसिडेंट पटियाला कोर्फबॉल एसोसिएशन। सर जी, तुम आज चैंपियनशिप गेम नैशनल गेम शुरू हो रही है, इस बारे थोड़ा डिटेल दसोगे? पंजाब कोर्फबॉल एसोसीएशन के बिहाफ से ये अनाउंस करते हुए मैं बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि 33rd सीनियर नैशनल कोर्फबॉल चैंपियनशिप पटियाला विखे आयोजित की जा रही है। ये 26 दिसंबर तो लैके 29 दिसंबर तक पोलो ग्राउंड के इनडोर स्टेडियम विखे आयोजित की जा रही है। इस दे विच 24 तो वध स्टेटां तो 500 तो ज़्यादा खिडारी आ रहे हैं, जिदे विच लड़के भी ने लड़कियां भी ने। ये एक मिक्सड जेंडर गेम है जिस दे विच लड़के लड़कियां दोनों इकट्ठे एक टीम के खेल रहे हैं। मैडल दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बेस्ट प्लेयर को भी ट्रॉफी दे रहे हैं। एक नैशनल चैंपियनशिप है जिसके विच सारी स्टेटा अपनी अपनी टीम उन्होंने रिप्रेजेंटेशन करेगी, तो पंजाब की कोई टीम होगी वो सारी अलग अलग स्टेटा दी टीम्स के नाल उनका कंपीटिशन होगा। ठीक, रोलिंग सत श्रीकाल जी। 33rd थोड़ा शुभ नाम जी? मैं डॉक्टर तरलोक सिंह संधु, बास्केटबॉल ओलंपियन, और असी इस साल 33rd नैशनल कोर्फबॉल भी करा रहे हैं, जिहड़ी कि फस्ट टाइम इनडोर च हो रही है। और ये मिक्स गेम है जिदे 8 कुड़ियां ते 8 मुंडे खेडते हैं, जेडे कि मीनस ए प्लेइंग जेडे होंगे ने टीम है वह 16 की होंगी है, पर खेडते हैं एट ए टाइम 8, जिदे 4 कुड़ियां ते 4 मुंडे खेडते हैं। और जदों 2 गोल हो जाते हैं उस तो बाद ऑफेंस वाले डिफेंस से चले जाते हैं, तो डिफेंस वाले ऑफेंस चले जाते हैं। तो इस गेम गेम कितों शुरू हुई है, पिछों कितों आई है भारत? मैं बेनती करांगा कि साले प्रदीप टोपल जी ने जेडे कि वर्ल्ड कप भी खेडे ने उस टाइम दे, ये मेरे नालों ज़्यादा दस सकनगे। हाँ जी, हाँ जी सर, थोड़ा शुक्रिया। मेरा प्रदीप कुमार, मैं इनकम टैक्स एज ए आई टी हुणे रिटायर होया। मैं इस पंजाब कोर्फबॉल एसोसीएशन का पंजाब का सैकटरी हाँ। मैं पता लग्या सी सूत्रों तो भी तुसी जब पहले गेम आई सी होने विच ते तुसी पंजाब वालों? हाँ जी, मैं पंजाब वालों 3 नैशनल खेलिया, तो मैं इंडिया वालों वर्ल्ड कप खेलिया 1985 च, जिहड़ा क्रिस्टल पैलेस स्टेडियम लंडन होया सी। ते ए गेम कदों होंद विच आई, ते उस तो उरे इंडिया च कदों इंट्रोड्यूस होई? गेम एक्चुअली डच गेम है, हॉलैंड दी नैशनल गेम है, 1902 च होंद च आई सी। इंडिया 1984 पहली नैशनल हुई सी तालकटोरा स्टेडियम च, जिदे च पंजाब टीम साडी चैंपियन सी, जिदे च मैनू बेस्ट प्लेयर दा अवार्ड भी मिलिया। ते ए जिवें पोलो ग्राउंड च करा रहे हो तुसी, इस च तुसी स्कूलां दे स्टूडेंट जां कॉलेज दे ओह बुलाए, उन्हां नूं अवेयर हो इस गेम बारे, जागरूक नहीं है, लोगों नूं पता लगे इस बारे? असी तुहाडे थ्रू ही मीडिया दे थ्रू सारे स्कूलां नूं इनविटेशन भी भेजे आ। असी ए सीनियर नैशनल गेम सीनियर नैशनल है जिदे च किसी भी तरह का सीनियर एज का ग्रुप का प्लेयर पार्टीसपेट कर सकता है। तो ये कितों कितों प्लेयर आ रहे हैं इतने? साढ़े को पूरे इंडिया तो टीम आ रही हैं, सारे हिंदुस्तान घट्टो घट 24 टीम पार्टीसपेट कर रही। तो उन्होंने ठहरन का प्रबंध कितने किस तरह का? उन्होंने ठहरन का प्रबंध बॉयज़ का असं फील करना स्कूल अलग किया, लड़कियों ने जो महिंद्रा कन्या महाविद्यालय स्कूल है वो अलग किया हुआ, तो मैस जी साड़ी हैगी है वह महिंद्रा कन्या महाविद्यालय चलेगी, तो होर भी जो कोई है कंटीन का साडा पोलो ग्राउंड होगा, जो रिफ्रेशमेंट का होगा साडा पोलो ग्राउंड होगा। अगे जी सर्दियों कोई भी गेम होंगी है पोलो नैशनल गेम्स कराई जाती कई संस्थाव वालों फैडरेशन वालों, तो उत्थे प्लेयर्स की शिकायत रहती है भी वो सर्दियों उन्होंने नीचे दे के सलाह दिता जाता, ठंड च कोई ठंड च बीमार होने का डर रहा है, या करोना दौरान जो बाहरली स्टेट तो कोई टेस्ट कराया, या उन्होंने कोई सोशल डिस्टेंस है रहा, कोई किस तरह का इंतजाम है? वो साढ़े
ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਜਾਈ ਅਤੇ ਗੱਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਜਾਈ ਗਦੈਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ।